जहानाबाद के सदर प्रखंड क्षेत्र के नौरू पंचायत के सीबीघा गांव में पूर्व मुखिया पर ग्रामीणों ने सड़क तोड़ देने और चुनावी रंजिश में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सड़क टूट जाने के कारण कई गांव का आवागमन बाधित हो गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता अवरुद्ध होने से नाराज दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर गुहार लगाई। बताया जाता है कि पूर्व मुखिया छोटन यादव नौरू पंचायत के 20 वर्षों से मुखिया रहते आए थे, लेकिन वे पंचायत में किसी तरह का कोई विकास कार्य करने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। इससे नाराज ग्रामीणों ने इस बार के पंचायत चुनाव में मुखिया छोटन यादव को भारी मतों से पराजित करा दिया। छोटन यादव पूर्व मुखिया हो गए और चुनाव में हार का खुन्नस ग्रामीणों पर निकालते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान मुखिया पीसीसी सड़क का निर्माण करा रहे थे। मुखिया द्वारा किए जा रहे विकास कार्य से नाराज पूर्व मुखिया छोटन यादव और उसके समर्थकों ने ट्रैक्टर से हल चलाकर सड़क को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि चुनाव में पूर्व मुखिया को वोट नहीं दिया गया, जिसका गुस्सा उन्होंने सड़क पर उतारा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि पूर्व में उन्हीं के द्वारा बनाई गई सोलिंग को भी ट्रैक्टर से तोड़ दिया गया, इससे 3 गांव का आवागमन बाधित हो गया है। विरोध करने पर मुखिया समर्थकों ने मारपीट भी की। इधर इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूर्व मुखिया द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी निजी जमीन में सड़क का निर्माण किया जा रहा था। सीओ से जांच कराई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जमीन निजी है तो पूर्व मुखिया छोटन यादव ने उस जमीन पर पूर्व में सोलिंग का काम कैसे कराया था, और अगर जमीन निजी नहीं है तो पहले से इस सार्वजनिक पथ पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त करने पर क्या कार्रवाई होती है। ग्रामीणों में पूर्व मुखिया के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और लोगों के आवागमन में हो रही समस्या का क्या समाधान निकाला जाता है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। घर है एमडीएम ऑफिस ऐली है, छोटन मुखिया ढलैया कर लन पहले रोड बनैलन और फिर हर जोत दिलन। हमने के मर्दाना औरत सब कोई वजह गेली बस सबके रोड़ा से मारे लगलन, माथा फोड़ दिलन, हाथ वो टोटार दिलन, टोट के भगा दिलन, घर चढ़ के मारे अलन। यही बात ऐली है, 5 गाँव के रोड है। मामला इसमें रोड का है, पहले से पूर्व मुखिया बना चुका है ये रोड का, खरंजा बिछा हुआ था उसी पर ये ढलैया करने के लिए अथि किए हैं। तो वो है जो आए और नहीं अथि करने दे रहे हैं ढलैया, पूर्व मुखिया हुए छोटन यादव जी क्या कहते हैं कि नहीं जे रोड है जे नहीं बने देंगे, क्योंकि जे यहाँ होती कोली है तो यहू सामने 10-12 फीट रास्ता चाहिए। वो घर तोड़ने का बात बोल रहे हैं कि तोड़ के रोड चाहिए हमको। तो टूटने से दिक्कत नहीं, गरीब आदमी से ईंटा नहीं जुटता है, टूट जाएगा तो कहाँ से मकान बनाएगा। तीन गांव का अभी नहीं आ जा रहा है, ईंटा वजह कवार दिए हैं, हर जोत दिए हैं ट्रैक्टर से, तो कैसे आवन गमन करेंगे। बनने देना पहले से वोट के विवाद है, वोट पड़ा है, जोने घड़ी से अथी हो रहा है, विवाद ही छिड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिया, नहीं बने देंगे। सर जो आज 15-20 साल से पहले से जो रोड बना हुआ था सर, तो वही छोटने मुखिया जी बनाए थे, जो 5 फीट बनावे या 10 फीट बनावे या 8 फीट बनावे जो बना हुआ था उन्हीं। तब ये मुखिया जी जो हम लोग इन लोग को वोट नहीं दिए और सोचे कि जब ये मुखिया पलटी हो जाएंगे 20 साल के बाद में नहीं बनाए तो अगला मुखिया हो सकते हैं कि बनावेंगे, तो इनको भी प्रेस डाले तो अब है जो हाथ लगाए। तो हम लोग कहे यही बात कि जो हमारे मुखिया जी पहले वाला जो मुखिया जी बना के गए हैं उतने वही पर हमको बना दे दीजिए, जो आने में हमको सुविधा हो। वो का किए कि ट्रैक्टर से जोतवा दिए, नहीं बनने दिए। और जो ये को उनका भतीजा संदीप है ये स्कूल में से आके, तो हम लोग कहें कि सर काहल आप अथी कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये रोडवा आप में नहीं जा रहा है, जो बना हुआ मुखिया जी बनाए हैं वही में जा रहा है, कोई एक भी तब फालतू नहीं ले रहा है कि आप में दे दीजिए।
जो बन रहा है तो बोल नहीं नहीं जाने देंगे, हम लोग के वोट नहीं दिए हैं। तो हम कहें कि ठीक है, तब तक वो आ करके अब मार दिए। तो सर गांव के मामला था, अब जो लेकिन था जब तो तनी मनी इधर उधर लड़ाई झगड़ा हो गया। उनका कहना है कि हम ही गांव में रोड कभी नहीं जाने देंगे। कारण सर यही कि हम लोग वोट नहीं दिए हैं इसीलिए लेकर के। और कोई हम लोग के विवाद न खेती के है न बारी के है सर, हम लोग के यही विवाद है कैसे करके 4 फीट 5 फीट जो भी है आने जाने का रास्ता बन जाए। अधिकारी महोदय के पास आवेदन लेकर आए हैं कि मिश्र बीघा जो सिविल बीघा रोड का निर्माण 20 साल पूर्व जिला परिषद कार्यालय के द्वारा किया हुआ था, उसमें मिट्टी भराई एवं सोलह का कार्य पूर्ण रूप से हुआ था, लेकिन जब 20 साल होने के उपरांत रोड क्षतिग्रस्त हो गया था। लोगों के आवागमन करने में, स्कूली बच्चों को पढ़ाई करने में लगातार बरसात के दिनों में लोग जाते थे, गिर जाते थे। उसके लिए तत्काल हम लोग मरम्मती का कार्य, ग्रामीण लोग बोले कि इसको आवागमन मुखिया जी तत्काल चालू कर दीजिए, उस योजना को हम ग्राम सभा में पारित भी कर चुके हैं कार्य कराने के लिए। और उसी दरमियान जब रोड का आवागमन चालू करने के लिए मिट्टी भराई एवं रोड़ा देकर चालू कर रहे थे तो पूर्व मुखिया द्वारा आकर रोका गया, ट्रैक्टर से रोड काटा गया। इसी बीच गाँव के लोग भी आए, सिविल विभाग के लोग, झड़प हो गया। और वो रास्ता 5 गांव का रास्ता है, कम से कम 10,000 आबादी का वो रास्ता है, उसको पूर्व मुखिया द्वारा रोका जा रहा है। क्या नाम है? श्याम बिहारी सिंह, नवरू पंचायत मुखिया। पूर्व मुखिया के द्वारा बताया जा रहा है कि वो हमारे निजी जमीन पे इन लोग पीसीसी का कार्य कर रहे थे। इसके लिए अंचल अधिकारी जहानाबाद सदर को पत्र दी गई है ये सत्यापित करने के लिए कि निजी जमीन है या सरकारी जमीन है। उसके ये रिपोर्ट के आधार पे बाद में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पहले से भी वहाँ पे सोलिंग वगैरह हो गया? हाँ, ईट सोलिंग पहले से किया हुआ था। तो सरकारी रुपया का भी वो तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही बता पाएंगे।